ये तस्वीर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन की है। हाथ जोड़े खड़े इजरायली राजदूत की ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। नाओर गिलोन सबके सामने बड़ी ही विनम्रता से खड़े होकर भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर भारतीय लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका जैसे पक्के दोस्त ने इसराइल का साथ छोड़ दिया है, ठीक उसी वक्त भारत ने इसराइल का साथ देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भीषण जंग के बावजूद इसराइल का साथ देने के लिए भारत के कई लोगों ने अब इसराइल में ही कदम रख दिया है। आप लगातार खबरें सुनते आए हैं कि भारत के कई लोगों ने हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इसराइल जाने की बातें कही थी। खुद इसराइली राजदूत नाओर गिलोन ने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन इसराइल ने कहा था कि हमास को तो हम खुद ही खत्म कर देंगे, लेकिन हमें फिर भी भारतीय लोगों की जरूरत है। हमें ऐसे भारतीय लोग चाहिए जो इसराइल आकर नौकरी करें, हम उन्हें अच्छा पैसा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे। इसराइल जानता है कि जंग लड़ रहे देश की मदद करने कौन ही आता है, सबको अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत के कई वर्कर्स इसराइल में नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। भारतीय लोगों के इसी जज्बे और हौसले को देखकर इसराइल भावुक हो गया और इसराइली राजदूत ने सरेआम सर झुकाकर भारत के लिए हाथ जोड़ लिए। आपको बता दें कि जंग के बाद पहली बार 60 से ज्यादा भारतीय लोग इसराइल नौकरी करने पहुंच चुके हैं। इसराइल ने भारत सरकार से करीब 1,00,000 भारतीय लोग मांगे थे और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसराइल ने कुछ ही दिन पहले अपने देश में मिनिमम नेशनल वेज को बढ़ाकर 1,600 अमेरिकी डॉलर कर दिया है। यानी इसराइल में नौकरी करने वालों को कम से कम अब 1,30,000 रुपए तो मिलेंगे ही, बाकी वर्कर्स के टैलेंट पर निर्भर करता है। इसराइल को भारत से ज्यादातर वर्कर्स कंस्ट्रक्शन फील्ड में चाहिए। आप जानते ही हैं कि इसराइल ने अपने देश से फिलिस्तीनी वर्कर्स को निकाल दिया है। इसराइल को लगता है कि फिलिस्तीनी वर्कर्स आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकते हैं।